नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिमय रस पर। आशा करता हूँ दोस्तों, जो हमने पिछली 12 वीडियोस में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शेयर करी है वो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। और कुछ कुछ वीडियोस में हमने ये भी बताया है कि आप वहाँ की यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है संतोषी माता जी के बारे में। जी हाँ, तो मेरे मन में भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं भी जान सकूं कि संतोषी माता जी का जन्म कैसे हुआ था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, और उनका अगर व्रत करते हैं तो मैंने काफ़ी सुना है कि उनका व्रत करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, काफ़ी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे संतोषी माता जी के बारे में, उनका व्रत आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या विधि विधान है उनकी पूजा करने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कथा से। एक बार रक्षाबंधन पर भगवान गणेश की बहन मनसा देवी उनको राखी बांधने आई। राखी बंधवाते समय उनके पुत्र शुभ और लाभ भी उपस्थित थे। उन्होंने उत्सुकतावश गणेश जी से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं। तो गणेश जी ने कहा, यह रक्षा सूत्र है जो बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं और जिससे भाई जो है अपनी बहनों की रक्षा करते हैं। यह जानकर शुभ और लाभ ने भी कहा, हमें भी बहन चाहिए जिसकी हम रक्षा कर सकें। गणेश जी ने शुभ और लाभ की बात स्वीकार करके अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि को बुलाया। उन दोनों में से ही एक ज्योति उत्पन्न हुई और उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम संतोषी रखा गया। वहीं आगे चलकर संतोषी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आइए अब हम बताते हैं आपको संतोषी माता की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता संतोषी के 16 शुक्रवार व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। इनके साथ ही व्रत का समापन सुहागन महिलाओं को घर में बुलाकर भोजन और प्रसाद खिलाया जाता है। इसके साथ ही अपनी इच्छा अनुसार उपहार भी दे देने चाहिए। माँ संतोषी माता के व्रत की पूजन सामग्री में माँ संतोषी माता की तस्वीर, एक कलश, नारियल, पान के पत्ते, थोड़े फूल, प्रसाद के लिए चना और गुड़, कपूर अगरबत्ती दीपक, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल, लाल वस्त्र, चुनरी। सूर्योदय से पहले उठकर घर के सभी कामों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लें। इसके बाद किसी पवित्र जगह या फिर मंदिर पर माता संतोषी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ ही माँ के पास एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ व चना रखें। आप चाहें तो कलश के ऊपर कलावा लपेट कर नारियल रख सकते हैं। अब माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उसके साथ ही भोग के रूप में गुड़ व चने खिलाएं। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पण करें तथा कथा आरंभ करें। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वह आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वह बूढ़ी औरत खाना बनाती तो अपने 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन व खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और वह इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। इस पर भी उसकी पत्नी व्यंग्य करते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, रोज़ सभी की जूठन जो परोस कर देती है। इस बात को सुनकर उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो आप विश्वास कर लेंगे ना। कुछ दिन बाद एक त्यौहार आया और घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और लड्डू आदि बनाए गए। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटा बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके रसोई में गया और वहीं ज़मीन पर लेट गया और मुंह पर एक पतले कपड़े से ढक लिया ताकि वह सब कुछ देख सके। सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसे और जब उन सभी ने भोजन कर लिया वे चले गए।
तब उन सभी छह भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली परोसी और लड्डू का जो भाग बचा था उन्हें मिलाकर एक लड्डू बनाकर बेटे की थाली में रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नज़र रखे हुए था। इसके बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे, उठो और भोजन ग्रहण करो। तब वह उठा और बोला कि माँ, तुम मुझको जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया, ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ और अगर कल जाने वाले हो तो आज ही जाओ। माँ के मुँह से इस प्रकार के कटु वचन सुनकर बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बनकर ही घर लौटूँगा। यह कहकर वो घर से जाने ही वाला था तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय बाद धन कमा कर वापस लौट आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने काम में ध्यान लगाइए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं आपका यहीं रहकर इंतज़ार करूंगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे तो उसने उसके पति की कमीज की पीठ पर अपने गोबर से भरे हुए हाथों की छाप छोड़ दी और कहा, यही मैं निशानी के तौर पर आपको दे सकती हूँ। इसके बाद वह पुत्र दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर तक आ गया। तब उसे एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, मुझे आप अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। उस समय सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ नौकरी करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री हिसाब किताब और अन्य सभी काम बहुत ही अच्छे से संभाल लिए। उसे सेठ के यहाँ और भी नौकर थे, वह सभी और स्वयं सेठ भी यह सब देखकर बहुत हैरान था कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देखकर 3 महीने में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया और अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। और अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और खुद दूसरे स्थान पर चला गया। उसकी पत्नी के साथ उसके सास और ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया और उसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियाँ लेने भी भेज देते। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन बहुत ही कठिनाइयों में बीत रहे थे। एक दिन जब वह लकड़ियाँ चुनकर जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहाँ खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहाँ उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हैं और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा, इसके करने के क्या नियम हैं, अगर आप मुझे इस बारे में बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूँगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी संतोषी माता की व्रत और पूजा कर रहे हैं, इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियाँ दूर होती है। उस औरत ने संतोषी माता का नियमित व्रत किया और माता की कृपा से कुछ दिनों बाद उसके पति का पत्र आया। फिर कुछ दिनों बाद पैसे भी आने लग गए। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा, संतोषी माता की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य स्त्रियाँ भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। एक रात संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते, तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी कहानी बताई तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए, कर्जदार भी धन लौटा गए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया
कि तुम भोजन के समय खटाई ज़रूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लगे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहला दिया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता क्रोधित हुई। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। बहू की स्थिति पुनः वैसी ही हो गई। तब उसने मंदिर में जाकर पूछा कि माँ मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत उद्यापन का संकल्प किया। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि चलो अब घर चलते हैं। 9 माह पश्चात दंपत्ति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद रहने लगे। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। संतोषी माता के व्रत में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए व उनसे परहेज करना चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ा संतोषी माता का मंदिर या यूँ कहिए सबसे प्रसिद्ध संतोषी माता का मंदिर हरिनगर डिपो के पास स्थित है। यहाँ नवरात्रों के समय में बहुत ही भीड़ होती है। अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आपको भी जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा कि जो गणेश जी हैं उनकी पूरी फैमिली ही, मतलब आप उनके नाम जो मैंने अभी वीडियो में बताए थे, एक तो गणेश जी खुद हो गए हैं विघ्नहर्ता, उसके साथ उनकी जो दोनों पत्नियां हैं वो हैं रिद्धि और सिद्धि, फिर शुभ लाभ, कुशल क्षेम और फिर संतोषी माता। तो पूरा परिवार के जो आप नाम से ही देखेंगे तो नाम ही सुख समृद्धि से भरे हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चला होगा कि आप कैसे व्रत कर सकते हैं, कैसे कथा पूजन कर सकते हैं संतोषी माता का। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।